हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है टेड्स ग्रू। और यहाँ पर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बड़ी ही क्वालिटेटिव वीडियोस बना के मैं आपको देता हूँ। और अगर आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया हुआ है या फिर किसी भी स्टेट के टेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो ये जो वीडियोस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं जो फर्स्ट टाइम है ये वीडियो सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ टेड्स ग्रू चैनल पर। और अगर आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है ईच एंड एवरी वीडियोस और हर टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक दैट यू विल गेट योर वीडियोस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट इन द एडोलेसेंस पीरियड। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ना है एडोलेसेंस पीरियड के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे एडोलेसेंस पीरियड होता क्या है, ये जो पीरियड है ये क्या होता है। देखो, मैं आपको सिर्फ इतना सा कहूँगा कि मैंने पुरानी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, पुरानी क्या, जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने स्टेजेस के बारे में समझा रखा है। चार स्टेज होती हैं दोस्तों, इन्फेंट स्टेज जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद चाइल्डहुड की स्टेज आती है, ठीक है, 5 से 12 साल के बीच में, और 12 साल से ऊपर जो है वो एडोलेसेंस पीरियड होता है, हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस स्टेज में हमने ये देखा है कि एक बच्चा जो होता है, जो स्टूडेंट की लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, ये बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस स्टेज में फिजिकल वाइज, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है दोस्तों, यहाँ पे बच्चा स्ट्रेस में भी रहता है और क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बच्चे का जो मूड है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्विंग होता है इस स्टेज में। और हम सभी जो हैं इस स्टेज से होकर गुजरे हैं, हमें सभी को पता है कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से जो हमारा टॉपिक है वो जो हम फिजिकल ग्रोथ पढ़ने वाले हैं वो एडोलेसेंस पीरियड में है, और एडोलेसेंस को हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है। तो अगर मैं कहीं कहीं किशोरावस्था वर्ड यूज़ करता हूँ तो आप कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि किशोरावस्था को ही इंग्लिश में एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल अप टू द पॉइंट ये जो है वीडियो रहेगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नोट्स आपके सामने हैं, पैराग्राफ से आप नोट्स बना सकते हैं। आप जब फेयर नोट्स बनाओगे तो दोस्तों तभी आपको बेनिफिट होगा इन वीडियोज़ का, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेक्चर सुन लिया, लेक्चर सुनने में समझ में आ जाता है लेकिन 2 या 3 दिन बाद हम उसको लेक्चर को भूल जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व होता है जब भी किशोरावस्था आती है, वो है हाइट एंड वेट। ये दो ऐसी करैक्टरिस्टिक हैं जो कि हमें, जो आप कह सकते हो परसीवेबल है, हम इसको देख सकते हैं। अगर एक बच्चा बढ़ रहा है हाइट में, टोल हो रहा है धीरे धीरे, तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे ना कि भाई वो यार धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ रही है। आपके घरों में ही बच्चे होंगे, आपने देखे होंगे कि आपने कई बार कहा भी होगा कि देखो मम्मी ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आपके घर में कोई बच्चा है, सपोज़ करो उसकी हाइट 4 फीट है, ठीक है, और वो जो है 1 साल 2 साल के लिए घर से बाहर चला गया, 2 साल बाद जब वो वापस घर में आता है तो सडनली जब आप उसकी तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा उसकी हाइट बढ़ चुकी होगी 3 इंच 4 इंच जितनी भी, तो उस हिसाब से वेट है। वेट हम अपना भी मेज़र करते हैं, बच्चे का भी मेज़र करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेट इस किशोरावस्था पीरियड में जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और मसलन यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, एक जैसे एक लड़की है वो 11 से 14 साल के बीच में है, जैसे लड़कियां हैं 11 से 14 साल के बीच में उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। 11 से 14 साल के बीच में जो लड़कियां होंगी उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है एज़ कंपेरेटिवली 11 से 14 साल के लड़कों के बीच में। आपको बात समझ में आ रही है कि जो लड़कियाँ हैं उनकी ग्रोथ एंड हाइट ज़्यादा होगी, मतलब ग्रोथ ज़्यादा होगी हाइट एंड वेट में। लेकिन जैसे ही बॉयज़ जो है एडोलेसेंस पीरियड में आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 से 19 साल के बीच में, तो
तो ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कों की हाइट एंड वेट ज़्यादा ग्रो करता है एज़ कंपेरेटिवली उस एज ग्रुप की लड़कियों के साथ। ठीक है, मतलब 15 से 19 साल के बीच में एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़के की ज़्यादा ग्रोथ होगी लड़की के मुकाबले। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और मैं आपको बता दूँ, हाइट एंड वेट, हम जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये किशोर अवस्था में ज़्यादा अपने चरम सीमा पर होता है। जितनी हाइट बढ़नी है वो इसी एज के अंदर बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे हाइट बढ़नी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, पैटर्न ऑफ एवरेज हाइट एंड वेट। ये जो हाइट एंड वेट है ये एवरेज है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। सेकेंडली, ये पैटर्न है। ठीक है, एज वाइज इसमें दिया हुआ है, आप एज देखो और हाइट एंड वेट को ऑब्जर्व करो बॉयज़ एंड गर्ल्स की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 12 ईयर्स को देख लेते हैं। तो 12 ईयर्स में लड़के की हाइट है 138 सेंटीमीटर और गर्ल्स की हाइट है 139, तो बहुत ज़्यादा है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद वेट देख लेते हैं। इस एज ग्रुप में लड़के का है 28.5 kg और लड़की का है ऑलमोस्ट 30, तो लड़की का वेट ज़्यादा ग्रो कर रहा है 12 साल के बीच में। अब एक बार 18 साल का देख लेते हैं, तो हाइट है लड़के की 163 और जबकि लड़की की है 151 और वेट है 47.4 और गर्ल्स का है 42.4। एवरेज वेट है ये। ठीक है, एवरेज हाइट और एवरेज वेट। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो। ये चार्ट्स को, ये चार्ट जो मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, ये कंप्लीट ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि पॉइंट है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। देखो हर चीज़ किशोरावस्था में अपने चरम सीमा पर होती है ग्रोथ के मामले में। तो जो हड्डियां हैं और जो हमारी मांसपेशियां हैं, बच्चों की जो मांसपेशियां हैं, वो इस स्टेज में आके ज़्यादा ग्रो करते ही हैं। ठीक है, इससे पहले ये देखने को मिलता है कि जब बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज में होता है तो बच्चों की हड्डियाँ कच्ची होती हैं। हमने देसी भाषा में ये वर्ड यूज़ करते हैं ना कि कच्ची हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है एडोलेसेंस पीरियड में आएगा, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की जो मांसपेशियाँ हैं, दोनों की जो हड्डियाँ हैं, वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और मजबूत होना स्टार्ट हो जाती है, इट मीन्स आपने देखा भी होगा कि आपके आसपास अगर कोई लड़का है 17-18 साल का, तो वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। और एक्सरसाइज जब वो करता है तो धीरे धीरे देखो कितने चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं। थोड़ी सी अगर कोई एक्सरसाइज करेगा बच्चा, तो लगता है कि भाई हाँ उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज की है। ठीक है, और इसी स्टेज में जो है बच्चे का खाना पीना, क्योंकि वेट तो तभी बढ़ता है ना जब बच्चा खाता है, तो यही स्टेज ऐसी होती है कि बच्चा इस स्टेज में बच्चों की भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बाकी आप पढ़ सकते हो डिटेल में। पॉइंट नंबर थर्ड, चेंजेस इन बॉडीली प्रपोर्शंस। बच्चों की जो बॉडी प्रपोर्शन है वो एक अकॉर्डिंगली चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि लेग्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, हाथ कम बढ़ते हैं, या फिर हैंड्स बढ़ रहे हैं, फिंगर नहीं बढ़ रही। तो हर बच्चे का उसकी जेनेटिकल वाइज या हेरिडिटी वाइज एक डेफिनेट चेंजेस आते रहते हैं बॉडी के अंदर। और यही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डिफाइन होता है। डिफाइन मतलब बच्चे की जो बॉडी है, उसका जो शेप है बॉडी का, वो इस स्टेज में आके ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन होता है और वो अट्रैक्टिव लगता है। दे लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, दे लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। ओके, बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बच्चे की वॉइस में भी काफ़ी अंतर आता है। ठीक है, इससे पहले जो लड़के होते हैं उनकी वॉइस लगती है लड़कियों जैसी, जब वो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में चल रहे होते हैं। जैसे ही वो इस स्टेज में आते हैं, एडोलेसेंस की स्टेज में आते हैं, तो वॉइस जो है उनकी थोड़ी सी थोड़ा मर्दानापन आता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकल ऑर्गन्स।
बच्चे यानी जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं उनके जेनेटिकल ऑर्गन्स ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं इस स्टेज में, ठीक है। जो उनके आप कह सकते हैं जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, प्यूबर्टी एज होती है ये एक प्रकार से। और काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि जो लड़का है लड़कियां हैं उनको काफ़ी सारे स्ट्रेस से होकर गुजरना पड़ता है, हेयर भी यहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इस किशोर अवस्था पीरियड में। बाकी यू कैन रीड, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा डिवेलपमेंट ऑफ चेस्ट एंड ब्रेस्ट। लड़कियों की जो ब्रेस्ट होती है वो यहाँ पर ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, रैपिडली ग्रोथ होता है। लड़कों की जो चेस्ट है वो भी रैपिडली ग्रो करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो हर चीज़ इट्स नॉट अबाउट चेस्ट एंड ब्रेस्ट, वो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा बच्चों की फिजिकल लुक को लेकर ये वीडियो आज मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। जैसे मैंने बताया चेंज इन वॉइस, बच्चे की वॉइस में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ, बच्चे की जो हेयर है ग्रोथ है, जगह जगह शरीर पे बाल होने आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो काक होती है, जो पेट होता है, जो सर पे बाल होते हैं, सब पे जो है बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा लड़कों का खास तौर पे किशोरावस्था पीरियड में। इंक्रीज इन बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, द ब्लड प्रेशर ऑफ द गर्ल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज़ हायर देन दैट ऑफ बॉयज़, लड़कों के मुकाबले ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर लड़कों का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एट द स्टेज देयर लंग्स ग्रो एंड वेट एंड वॉल्यूम, बच्चों का डाइजेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो ये सारे के सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए बच्चों वो फिजिकल रिलेटेड थे। इसके अलावा बच्चा इमोशनली भी ग्रो करता है, इमोशनली भी चेंजेस आते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। तो वो किसी दिन किसी और वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। तब तक आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद है, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।